नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, सुभाषपा 20वां स्थापना दिवस मना रही है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में सावधान यात्रा निकाली गई है, जिसमें यूपी के बस्ती जिले के कुदराहा में राजभर ने एक जनसभा को संबोधित किया। अपने चिर परिचित अंदाज में राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने हमें हराने के लिए गठबंधन में मिली सीटों पर डमी कैंडिडेट दिए हैं। बस्ती मंडल में हम 3 सीटें जीत कर देते, लेकिन समाजवादी पार्टी का शिकार हो गए। बस्ती की महादेवा सीट पर भी हमने डमी कैंडिडेट दिया जा रहा था। दो दो हाथ करने के लिए तैयार, राजभर ने कहा कि हम अखिलेश से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। अखिलेश चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर की जो सीट दी जा रही है वहां से वो जीत कर ना आए। राजभर ने कहा कि हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन जब दोस्ती तोड़ते हैं तो दुश्मनी भी मजबूती से निभाते हैं। उन्होंने कुछ है और करते कुछ और। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के भाजपा को सबसे झूठी पार्टी बताने के बयान पर सपा कौन सी पार्टी है, सहारनपुर में कांग्रेस के बड़े मुस्लिम नेता को पार्टी ज्वाइन कराई, आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को पार्टी ज्वाइन कराई लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। अखिलेश कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। 4.5 साल बैठकर लूडो खोलोगे, अखिलेश के आरोप। भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर मुस्लिम और यादव के 30 से 40 हजार वोट लिस्ट से कटवाए, पर राजभर ने कहा उस समय अखिलेश क्या कर रहे थे, जनता के बीच और टीवी पर आकर बोलना अलग बात है, उस समय क्यों सो रहे थे। 5 साल में 4.5 साल बैठकर लूडो खेलोगे और 6 महीने में आकर सत्ता पाओगे। उधर विधायक अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित करने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि मामला अदालत में है, अदालत अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं, 2024 में करेंगे गठबंधन। राजभर ने 2024 में फिर से सपा से गठबंधन के सवाल पर गठबंधन की राजनीति उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं है और ना ही दुश्मन है। सपा बसपा में 36 का आंकड़ा था, फिर भी दोनों एक को मंच पर देखा गया। नीतीश कहा करते थे कि राजनीति छोड़ दूंगा, कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, पर उन्होंने भी गठबंधन किया। कश्मीर में देख लीजिए, पीडीपी और